तब जो राम जी रचेंगे वही होगा। अंत में सती जी ने शरीर को त्यागा, दूसरा जन्म हनुमान के घर पर हुआ, पार्वती बनकर प्रकट भई। बोलो पार्वती मैया की। बहुत दिन बीते, उन्होंने तप किया, भोले बाबा से विवाह का हट किया। बरहु शंभु नाता रहूं कुमारी, मैं तो विवाह करूंगी या भोले बाबा के साथ बनना कुमारी। अंत में भोले बाबा को देवताओं ने मनाया, बाबा बहुत दिन हो गए बरात नहीं गए, लड़ुआ खाने बरात के लाने, हाँ बोल दो। भोले बाबा बोले ना, एक बार शादी करी सब स्वाहा हो गो, अब हम शादी वादी नहीं करेंगे। देवताओं ने समझाया, मान जाओ, रसगुल्ला नहीं मिले बहुत दिन से। राम जी से कहा, जब राम जी ने समझाया तब हाँ कहा, और जब हाँ कह दिया भोले बाबा ने, सोई बरात की तैयारी भोले बाबा की होने लगी। जमराज अपने भैंसा हाँ साफ कर लो, शाम के बरात जाने लगो भैंसा हाँ रगड़ गए। भैंसा बोलो सरकार आज हमें कौन रगड़ हो जा रहा। ओ यमराज बोलो, अगर आज हमने करिया से तुझे गोर ना कर दिया तो हमारे नाम है, आज तुझे गोरा निकाल के रहेंगे। बोले क्यों, आज बरात में जाना भोले बाबा। अरे सरकार हम तो काले ही रहेंगे, खाल और छिल जाएगी। राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगा, साफ देवता तैयारी करने लगे बरात की। लेकिन जिसकी शादी हो रही उसको कोई नहीं देख रहा। भोले बाबा ज्यों के त्यों बैठे हैं, अब बड़ी हैरानी हो गई, बाबा ज्यों के त्यों अब क्या किया जाए। शाम के समय नंगी भ्रंगी श्रृंगी बाबा के पास पहुंचे, बाबा आपको ब्याह है आज को, शादी है, बरात दूल्हा बनना। बाबा बोले क्या बनना है, ऐसे ही चल देंगे। नंदी बोले सरकार जौन हिसाब के बैठे हो, ये हिसाब की तो बिटिया पूरे संसार में नहीं है, कुछ पहन लो फिर जाओ। बोले बाबा बोले हम तो जैसे वैसे ही ठीक है। अरे नहीं सरकार, दूल्हा का श्रृंगार होता है। अच्छा चलो तो श्रृंगार करो। शिवगण भगवान का श्रृंगार करने लगे। शिव है संभोगन करे ही श्रृंगारा, साफ शंकर जी के गण श्रृंगार करने लगे। सबसे पहले मुकुट बनाया जटाओं का। अब किसी ने कहा, नंदी बोले मुकुट तो हो गया लेकिन मोर कहां से मिलेगा। अब मोर कैसा होता है, भ्रंगी बोले मोर में लटके रात आगे लटके ऐसे। अब कैलाश पर्वत में मोर कहां से आएगा, तो नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भागते भागते गए, 20-25 छोटे छोटे पतरे पतरे सांप पकड़ ले आए। सांपन को मुंह बांधो, मुंह बांध के जटाओं में मुंह फंसा दिया, पूंछ सामने लटका दी, लो मोर तैयार हो गया। अही मौर्य, अही माने सांप, नाक का मोर बनाया। अब मोर तो हो गया भैया, लेकिन दूल्हा को पाउडर नहीं लगाया, फेसियल करो। ये फेसियल क्या है, नंदी ने पूछा। तो भ्रंगी ने कहा भाई सफेद सफेद होता है। बोले अब यहाँ कौन पाउडर है, दुकान है, एक काम करो रोको। नंदी भागे भागे गए, 5 किलो शमशान की राख उठा लिया और राख लई, और अपन तो पाउडर फेसियल मुंह में लगाई, जिनने पूरे शरीर में लगा दी। एक तो भोले बाबा वैसे ही कर्पूर गौरम करुणावतारम सफेद रूप, ऊपर से भस्म लग गई तो और आनंदमय लगने लगे। आहा, कानों में कुंडल पहना दिया। कानों में कुंडल काय का, नाग का, छोटे छोटे पतरे पतरे नाग दोनों तरफ लटका दिए एक एक साइज के। आहा, गजब हो गया। कहा बाबा खड़े हो जाओ, शेरवानी पहन लो। बाबा बोले जे सब हमारी बस की नहीं है सरकार, बिना कछु पहने जाओगे दुनिया न जाने क्या क्या कहेगी। देखो भाई हम और सब पहनने वाले, तो क्या करें। जिस मृग छाला पर बाबा बैठे थे उसी को लपेट दिया, यही पहन लो। हाँ ये ठीक है, लेकिन मृग छाला में कौन बटन है कि वो बंद जाए कमर में। मृग छाला जैसे ही लगाई सोई खिसक गई। अब क्या किया जाए, कहा कि एक गण की ड्यूटी लगाई जाए, वो पकड़े रहा है। नंदी बोले अगर गण की ड्यूटी लगाए, अगर वो पकड़े रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि भामर के बीच ही में उके हाथ से छूट जाए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाए। हाँ सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और करो। अब क्या किया जाए, नंदी बोले एक उपाय है, का कारो कारो सटकारो सांप बड़ो सो देखो, लंबो कारो सांप देखो। कमर में मृग छाला पहनाई, ऊपर से सांप को बांध दिया और कह दिया सुनो इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम ना खिसकियो।
दुनिया उल्टा पलटी हो जाए तुम मत खिसकना। आहा, बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो। नाग बोलो चिंता मत करो। अब कहा अब बढ़िया रहा, त्रिपुंड बढ़िया धारण करवाया, हाथ में त्रिशूल लिया बाबा ने, डमरू ली। बाबा बोले अच्छा बताओ नंदी कैसे लग रहे हैं? बाबा अद्भुत लग रहे हो, बारात है आपकी, चलो रथ मंगवाएं। बाबा बोले नहीं हम तो नंदी पर ही जाएंगे, आज दूल्हा हो कम से कम आज तो बैठ लो। नहीं 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 उसी पर जाएंगे। क्यों? बोले देखो भाई हम मांग करके बर नहीं बनते। जरा गौर करना विद्वान, मांग कर बर नहीं बनते। बोले क्यों? बोले मांग कर बर बनोगे तो चार दिन बाद वो वापस लौटाना पड़ेगा, तो फिर बराबर हो जाओगे, इसलिए हम पहले ही बराबर रहना चाहते। अब रोज तो भोले बाबा नंदी पर सीधे बैठते थे, परंतु आज शादी है सो भोले बाबा उल्टे बैठे, पूंछ पकड़ के, उल्टा मुंह पूंछ पकड़े। किसी ने कहा ये उल्टे क्यों बैठे? अरे बोले तुम क्या जानो, हमारी मति कहती है शादी के दिन भोले बाबा उल्टे इसलिए बैठे हैं क्योंकि बारात में विष्णु भगवान को जाना था, भगवान को पीठ करके जाएंगे तो पाप लगेगा, भगवान को मुख देख करके जाए इसलिए उल्टे बैठे हैं, भगवान की तरफ मुंह किया है। अच्छा नाग, नाग मस्तक पर, गले में, क्यों? नाग है काल। हम लोग दूल्हा बनने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं, मानो भोले बाबा कहना चाहते हो खुशी में प्रसन्नता में सब भूलना पर काल को मत भूलना, ये मस्तक पर ही मंडरा रहा है, इसलिए नाग पहना। अब बारात चली, जैसे ही बारात चली सो थोड़ी दूर निकली, देवतन ने गौर से देखो, आ जिया दूल्हा कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले जिस हिसाब से इनको भेस है उस हिसाब से बारात तो वापस लौटने। बोले क्यों? बोले भोजन तक नहीं मिलने इनके चक्कर में, तो आपातकालीन मीटिंग भाई कि इस बारात में भोजन सबसे पहले होगा, और आप पढ़ेंगे तो भोले बाबा के विवाह में पहले भोजन भाव, राम जी का विवाह पढ़ेंगे तो भोजन बाद में आया है, वर्णन कलयुग का वर्णन बाद में, इनके में पहले, क्योंकि देवता बोले अपन लोग आगे चलो पहले पालो बाद में नहीं आऊंगो भाई साहब, पर जो होगा सुने पट लिया जाएगा। अब भोले बाबा की जैसी बारात चली, नगर में सबसे पहले देवता पहुंचे, विष्णु भगवान इंद्र आदि सजे बजे देवता, आहा गांव के लोग मिर्चवानी लें फूलमाला लें, अरे बारात आ गई बारात आ गई, नगाड़े बजने लगे, धूमधाम होने लगी, सहनाई बजने लगी। ढोल नगाड़े बजने लगे, बारात का स्वागत हुआ, फूलमाला पहनाई, तिलक लगाया। किसी ने कहा दूल्हा तो बड़ा सुंदर है विष्णु भगवान की तरफ देख के। नारद जी बोले दूल्हा नहीं है ये बराती है, दूल्हा तो पीछे आ रहा। तो एक व्यक्ति बोला जब बराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी नीचे सिर डाल के बोले यहां ऊंचा उतर भाई, भाई साहब देख लियो, हम क्या बताएं कितने सुंदर। उधर भोले बाबा जब चलने लगे देखा हमारी बारात में कोई नहीं है, हैरान हो गए, क्यों नंदी सब बराती कहां गए? बोले सब आगे गए, नंदी कुछ उपाय करो, कुछ बराती तो होनी चाहिए, दो चार पांच दस साथ कहो तो अपने वाले बुला लें। हाँ अपने बुला लो, और बाबा के बराती कौन है? भूत प्रीत पिशाच सांपनी डाकनी बेताल जिंद राक्षस सब चिल्लात भय चले आए। नंदी ने जहां कहा हर हर भूत हो प्रेत हो पिशाच हो सांकनी हो डाकनी हो सब आ जाओ, भोले बाबा की बारात चली। भूत की का मारत रोत गाउत जय जयकार करत, भारतीय भूत आ गए परदनिया पहन पहन, कारे कारे वेस्ट इंडीज के भूत भी आए। अब वो तो हर जगह के आए हूं, पूरे दुनिया के बाबा की बारात, चाइना की हल्की हल्की आंखों से चिंग चौंग चांग चौंग चमंग चौंग करा तो भाई यार, चाइनीज भूत आए, चाइना के आए, वेस्ट इंडीज के करिया करिया, अमेरिका के लंबे लंबे टाई पहरे आए, ऑस्ट्रेलिया के गोरे गोरे बड़े बड़े भूत ही भूत जुड़े।
सबने बाबा को प्रणाम किया। बाबा बोले खुशी रहा, कैसे हो? सब बोले आनंद है, बरात है, बरात है। और भूत भी बड़े गजब, एक भूत के चार मुख, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। अच्छा टेंशन हमें नहीं है, टेंशन तो है पत्तल डार बारे है, कौन से दिशा को ले हैं, एस्ट को के बेस्ट को, कहां से पाएंगे, सबसे टेंशन उनको है। एक भूत बड़ा गजब को, मुंह आगे आंखें पाछे, कहा गई और गजब का है, उल्टो चल रहा। एक भूत हाथ पांव है ही नहीं है, ड्राम से लड़का चलो आ रहा, और लड़का तो लड़का तेज हो आओ के नंदी के घर लगाओ। नंदी बोले कौन? भीतर से पेट से आ भाई, तुम्हें क्या लेना देना? नंदी बोले हद हो गई। एक भूत और गजब को, हाथ ही हाथ गेंद से लड़का चलो आ रहा। अच्छा एक भूत तो और गजब को, शायद चाइना को, मऊ पर। अब टेंशन जो है कि ऐसी कोनो टेबल नहीं बनी जो अथफर में लटक जाए। सात भूत जुड़े, भारतीय भूत अमेरिका वालों के पास पहुंचे, उनकी टाई पे एक भूत डंगा, गरे में फंस गई टाई, उन्हें बड़ी मुश्किल से छोड़ा भारतीय भूत ने, रहा होगा काशी का, खबर नहीं, हमें तो लग रहा है यही काशी का रहा होगा, मणिकर्ण का घाट का, वही कुलिया में रहता होगा। काशी का भूत अमेरिका के भूत को पकड़ के रह गया, टाई पे टंग गया। बड़ी मुश्किल से अमेरिका जब चार पांच भूत और जुड़े जब छुड़ा, भाई जय क्या कर रहे हो? बोले झूला झूल रहे। कहा झूला थोड़ी ये टाई है। बोले क्या? दिस इज टाई। हो इससे क्या होता है? इससे शान बढ़ती है, तुम लोग टाई नहीं लगाते भारतीय लोग। और भारत को भूत, वो भी काशी को, और फेल हो जाए सपने में नहीं। बोले वाह कौन सी टाई है ये? बोले आगे वाली टाई है, परदनिया को पीछे को छोड़ उठा के। बोले हम लोग बैक टाई लगाते हैं, तुम लगाते आगे वाली, हम लोग बैक टाई लगाते।